नमस्कार मित्रों, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, के एक टॉपिक रक्षा तकनीकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के छोटे से पार्ट पर बात करेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि रक्षा तकनीकी क्या है। पहले जो रक्षा की जाती थी ये युद्ध से की जाती थी, जिसमें क्या था कि हम एक सेना रखते थे जिसमें सामान्य तौर पर क्या होता था कि शारीरिक बल को महत्व था, शारीरिक बल को महत्व दिया जाता था। शारीरिक बल के द्वारा हथियार चला के, तलवार चला के, फिर उसके बाद गोली बंदूक और ये सब तोप वोप का भी प्रयोग होने लगा, जिससे आमने सामने हम युद्ध करते थे और जो युद्ध में जो जीत जाता था, एक पर छार जाता था। इस तरह हम अपनी रक्षा करते थे और जो जिस पे जो जितना बलशाली होता था वो दूसरे को हरा देता था। तकनीकी में क्या हुआ कि तकनीकी में जो बात आई वो थी कि मानव का कम से कम हनन हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें बाहरी उपकरणों के द्वारा। तो रक्षा तकनीकी क्या कहलाती है? रक्षा तकनीकी एक शब्द आता है मानवाधिकार, मानवाधिकार जब से शब्द आया तब से एक बहस सी थी पूरे विश्व में कि जो भी कुछ होगा वो मानव हित में होना चाहिए, मानवों के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो मानवाधिकार को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलने का मतलब है कि हम जो भी रक्षा करें, जो भी करें, वो विपक्ष का हो या हमारा हो, हमें इस तरह का युद्ध करना है, ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमारी रक्षा तो हो लेकिन मानव का हनन कम से कम हो। क्योंकि भूमंडलीकरण, एक और शब्द मिलता है भूमंडलीकरण हो गया, तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं वो हमारे देश तक निर्भर नहीं रहेगी, पूरे विश्व पटल पे होगी। जो भी समस्याएं हों वो पूरे विश्व की समस्या होगी। तो ऐसे में ऐसी तकनीक की ज़रूरत पड़ी जिससे रक्षा तो हो लेकिन मानव का हनन कम से कम हो। तो रक्षा तकनीकी को अगर कुछ शब्दों में बांधें और कहें तो रक्षा तकनीकी एक सामरिक तकनीकी है और यह मानवाधिकार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है तथा इसके माध्यम से शांति और सौहार्द की स्थापना में सहयोग मिलता है। और अब कैसे सहयोग मिलता है तो आइए जानते हैं कि सहयोग कैसे मिलेगा। तो चूंकि अगर हमें रक्षा करनी है तो युद्ध अवश्य होगा। युद्ध कैसा होगा कि पहले जो युद्ध होता था वो युद्ध हुआ, आमने सामने दो सेना लड़ी, एक जीती एक हार गई, ये तो हुआ पहले जो युद्ध होता। अब क्या है कि अब जो युद्ध होता है वो है मनोवैज्ञानिक युद्ध। मनोवैज्ञानिक युद्ध। मनोवैज्ञानिक युद्ध से तात्पर्य क्या है? मनोवैज्ञानिक युद्ध का मतलब है कि युद्ध ऐसा कुछ किया जाए कि युद्ध हो ही ना, ये हुआ मनोवैज्ञानिक युद्ध। कि बिना, मतलब हम युद्ध की इस तरीके से तैयारी करें कि हमें युद्ध करना ही ना पड़े, सामने वाला स्वयं ही ये मान ले कि अगर हम युद्ध करेंगे तो इसमें विनाश होगा। और चूंकि तकनीकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि विनाश नहीं, हम उसे महाविनाश भी कह सकते हैं। और महाविनाश से बचने के लिए क्या है कि
ऐसा हो जाएगा कि युद्ध नहीं ही होगा, और यही हुआ मनोवैज्ञानिक युद्ध। अब चूंकि अब एक वर्ड आता है कि तकनीकी, तकनीकी दो तरह की है, एक तो हुई सामरिक तकनीकी, सामरिक तकनीकी, और दूसरी हुई ज्ञान आधारित, ज्ञान आधारित। तो जो रक्षा की तकनीकी में हमारी आएगी वो तो सामरिक तकनीकी हुई। सामरिक में हुआ जैसे डिफेंस, डिफेंस हुआ, स्पेस हुआ, न्यूक्लियर हुआ। ज्ञान आधारित में हुआ जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, और आईटी, आईटी है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी है, वगैरह, टीसी रोबोटिक है इत्यादि। ये हुई हमारी दो तरह की तकनीकी। अब एक बात आती है कि तकनीकी तो हो गई, रक्षा तकनीकी हो गई, मनोवैज्ञानिक युद्ध हम समझ गए कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे युद्ध ही ना हो। लेकिन युद्ध ना हो ये कैसे, क्या क्या हो जिससे युद्ध ना, तो है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता ना हो। क्या ना हो? न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। अच्छा, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो यही न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता है कि बिना युद्ध किए हुए ही युद्ध की क्षमता प्राप्त कर लेना न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। जैसे हम युद्ध किए नहीं हैं लेकिन मेरे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपन्स हैं, ऐसे मिसाइल्स हैं, परमाणु हथियार हैं, इतना सब कुछ है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम आपसे जीत जाएंगे। जीत जाएंगे तो सामने वाला इस चीज़ को डरेगा और वो युद्ध नहीं करेगा। बस इसी से यही क्षमता प्राप्त कर लेना न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, और इसी वजह से युद्ध नहीं होता। इस चीज को इस क्षमता को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें जरूरत पड़ी ऐसे संस्थान की जिसमें ऐसे वीपन्स का निर्माण हो सके। तो आज़ादी के बाद 1958 में हमारे यहाँ स्थापना हुई DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी जी, और इसका मुख्यालय दिल्ली में था। कार्यकारी मुख्यालय जो था वो या है था क्या है, हैदराबाद में। एक और संस्था बनी DRDD, DRDD 1980 में। इसका फुल फॉर्म हुआ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसका जो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर अरुणाचलम। तो ये सब बन गया। इसके बाद हम सब विदित हैं, सब जानते हैं, सबके माननीय हैं, प्रणाम हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक के साथ साथ वो महान व्यक्तित्व भी थे, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति भी रहे जो अब हमारे बीच नहीं हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने एक प्रोग्राम चलाया
जिसका नाम था IGMDP। ये 1983 में चला, जो फर्स्ट प्रोग्राम था डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा चलाया गया था। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 5 मिसाइलों का प्रोग्राम चला, जिसे पटना कहते हैं, PATNA। पी फॉर था पृथ्वी, ए फॉर था अग्नि, टी फॉर था त्रिशूल, एन फॉर था नाग और ए फॉर था आकाश। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल और एन से नाग और ए से आकाश। ये था हमारा मिसाइल प्रोग्राम। इसके बाद रक्षा तकनीकी में कई तरह की मिसाइल आई, सच प्रणाली आई, रडार आए, नौवहन अनुसंधान हुआ। मिसाइल भी 2 तरह की बनी, एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल। 2 तरह की मिसाइल बनी, तो मिसाइल्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें या कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बताएं ज़रूर ये अच्छा था या नहीं। धन्यवाद।